उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा की पहली बार गजा जंग बंदी के लिए कोशिशों की हिमायत। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़राए आज़म ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। जंग में 7 दिन के वक्फे को दोबारा शुरू करने का मुतालबा। कनाडा में जंग के वक्त हाउसिंग डिजाइन कैटलॉग को बहाल करने पर मशावरत। हाउसिंग मिनिस्टर का कहना है कि हम हाउसिंग बहरान में रह रहे हैं, मंसूबे से कनाडा में घरों की तामीर को तेज करने में मदद मिलेगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा ने अक्वामे मुतहदा की एक गैर पाबंद करारदाद के हक में वोट दिया है, जिसमें इजराइल और हमास की जंग में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने अक्वामे मुतहदा की गैर पाबंद करारदाद के हक में वोट दिया है, जिसमें इजराइल और हमास की जंग में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालबा किया गया है। इससे कबल कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने इसराइल हमास जंग में पायदार जंग बंदी की कोशिशों पर जोर देने के लिए इत्तेहादियों में शमूलियत इख्तियार की। पहली बार जब कनाडा की हुकूमत ने तनाज़े के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। ट्रूडो और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें इस माह के शुरू में ख़त्म होने वाली लड़ाई में 7 दिन के वक्फे को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया गया था। तीनों ममालिक ने अक्वामे मुतहदा की करारदाद के हक में वोट दिया। बयान में कहा गया है कि दुश्मनी में हालिया वक्फे ने 100 से ज्यादा मौवियों की रिहाई की इजाज़त दी और मुतासरा शहरियों तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई में इजाफे की हिमायत की। हम इस वक्फे को दोबारा शुरू होते देखना चाहते हैं और एक पायदार जंग बंदी के लिए फौरी बैन अल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत करते हैं। ट्रूडो का कहना था कि उन्होंने इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तवील और तफसीली फोन पर बातचीत में कनाडा के मौकफ का खाका पेश किया है। ट्रूडो ने कहा कि हम खित्ते और दुनिया भर के शराकत दारों के साथ एक पायदार दो रियासती हल के लिए काम करने के लिए पुरअज़म है। कनाडा इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है कि इसराइलियों और फलस्तीनियों को पुरअमन और कामयाब रियासतों में बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सरहदों के अंदर अमन और सलामती के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिले। कनाडा के हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए अपनी ताज़ा तरीन कोशिशों में वफाकी हुकूमत जंग के वक्त की हाउसिंग कोशिशों के नज़रसानी शुदा विजन को बहाल करने के लिए मशावरत शुरू कर रही है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए अपनी ताज़ा तरीन कोशिशों में वफाकी हुकूमत जंग के वक्त की हाउसिंग कोशिशों के नज़रसानी शुदा विजन को बहाल करने के लिए मशावरत शुरू कर रही है, जो एक मयारी पहले से मंजूर शुदा डिज़ाइन कैटलॉग है, जिसका मकसद तामीर को तेज़ करने में मदद फराहम करना है। कनाडा के हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटीज़ के वजीर शॉन फ्रीज़र ने कहा है कि हम रिहाइश के बहरान में रह रहे हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि कनाडा यहाँ आया है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब हज़ारों फौजी अपने ख़ानदानों के साथ एक साथ मिलने के लिए वतन वापस जा रहे थे, कनाडा को मकानात के बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ा। उनमें से एक टूल जो इस वक्त उनको दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए तैनात किया गया था, सादा पहले से मंजूर शुदा डिज़ाइंस की तरक्की थी। हम उन असबाक को अपनी तारीख की किताबों से लेने और उन्हें 21वीं सदी में लाने का इरादा रखते हैं। नए कैटलॉग पर हाउसिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत जनवरी में शुरू हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आला कसाफत के मुमकिन तामीराती मनसूबों में तौसी करने से पहले मॉड्यूलर और पहले से तैयार शुदा घरों समेत मयारी कम बुलंदी वाले तामीराती डिज़ाइंस की एक
सीरीज के कयाम पर तवज्जो दी जाएगी। शॉन फ्रेजर ने कहा कि वफाकी हुकूमत घर के ऐसे डिजाइन पर तवज्जो मरकूज करेगी जो काबिल लागत, मेहनत से मौसर और तवानाई की बचत वाले होंगे। ये इकदाम दूसरी जंग अजीम के बाद के कैनेडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन के इकदाम की तरफ वापस आ रहा है, जिसमें देखा गया कि फेडरल क्राउन कॉरपोरेशन ने घर वापस आने वाले साबिक फौजियों के लिए तेजी से मजीद घरों की तामीर में मदद के लिए हाउसिंग डिजाइन कैटलॉग का एक सिलसिला बनाया है। ये मंसूबा विक्ट्री होम्स या स्ट्रॉबेरी बॉक्स होम्स के नाम से जाना जाता है। हुकूमत 1950 और 1970 की दहाई के दरमियान की गई इस बड़ी विफाकी कोशिश को इस वक्त के हाउसिंग की कमी और तामीराती सलाहियत के चैलेंजेस से निमटने के लिए कुलीदी समझती है, और इनमें से बहुत से घर पूरे कनाडा में खड़े हैं। लेकिन शॉन फ्रीजर ने कहा कि ये बहाली जंग के बाद के दौर की तामीरात से चंद तरीकों से मुख्तलिफ होगी, बशमूल हर जमरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के घरों के डिज़ाइन की पेशकश करना, जैसे कि गार्डन स्वीट्स और लैंडवे होम्स, नेस मल्टीप्लेक्स जो तलबा की रिहाइश या बुजुर्गों की रिहाइश गाहों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।